हेलो गाइस, मेरा नाम है बारी खान और आप लोग देख रहे हैं बारी खान YT चैनल। गाइस, आज हम लोग Day 7 के वॉर अटैक को देखेंगे TWL के। तो गाइस, सबसे पहले नंबर पे अली भाई ने किया है 78%, उसके बाद लाल भाई ने बहुत अच्छा अटैक किया है, 89% स्टार किए हैं गाइस। उसके बाद अली भाई ने किए हैं 81%, और गाइस अहमद भाई ने 48% किए। इनका अटैक देख लेते हैं गाइस, आज इन्होंने कहाँ मिस्टेक करी है जो एक इजीली स्पेस पे तो 2 स्टार हो सकते थे अगर ये करते तो। आई थिंक इनसे कहीं मिस्टेक हो गई होगी। ओके, ब्लिम डिप्लॉय। ओके ओके ओके, फाइनल। गलत 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 गलत, पॉइजन के सामने से ही ब्लिम डिप्लॉय कर दी गाइस, मर गई सारी आर्मी। रेंज भी डाल दी, वाह वाह, क्या ही अटैक कर रहे हो भाई साहब, क्या ही अटैक। अब क्या फायदा, अभी अपने स्टार सिक्योर कर रहे हैं। हाँ जी, तो इन्होंने ये गलती करी है, ठीक है जी। अरे पड़ाव डालो भाई साहब, एबिलिटी दे दो भाई साहब। लॉन्ग अटैक गाइस, प्रॉपर लॉन्ग अटैक किया ये, सारे नून मर गए, उसके बाद पड़ाव उतारा है और वो भी ग्राउंड। ये डैमेज पड़ा, ये खत्म। अब किंग क्वीन को कहाँ डिप्लॉय किया है, एनिमी की किंग के सामने अपने किंग को डिप्लॉय कर दिया। प्रॉपर रॉन्ग अटैक किया है ये, मतलब ये CWL का अटैक तो नहीं हो सकता, बट ये रॉन्ग अटैक बहुत ज़्यादा, मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था अहमद भाई से कि इस तरीके का वो अटैक करेंगे। तो गाइस अब लोग, अब हम देखते हैं गाइस, क्योंकि ये वो वी अटैक तो बिल्कुल ही ज़्यादा अटैक किया, एक तरीके से बहुत ज़्यादा ख़राब अटैक था ये। 2 स्टार भी टेक डाउन नहीं किए मैं, अगर मेरे पास ये बेस मिलती मेरे को तो मैं टाउन 12 से भी इस बेस पे इजीली 2 स्टार कर सकता हूँ। नंबर 5 की जिस पे थंडर भाई ने 100% थी, 100% 3 स्टार किया है सॉरी। और उसके बाद जूनी भाई ने किया है 56%, 2 स्टार। ब्राइट साइड लीडर साहब ने भी इस वॉर के अंदर 2 स्टार किए, 68%। साहब जी ने 74% किया है गाइस 2 स्टार। किंग ने 61% किया है 2 स्टार। हाफ इस भाई ने 85% 2 स्टार किया है गाइस। शेरिफ भाई ने भी सेम ही 80% 2 स्टार किया है। मतलब इस वॉर में तो 90% हुआ ही नहीं, एक 3 स्टार हुआ है और एक सिंगल स्टार। और 12 नंबर पे अहमद भाई ने किया है 68% 2 स्टार। उसके बाद आबिद भाई ने टेक किया है 63% 2 स्टार। फिर आदिल भाई ने 96% 2 स्टार किया है। इस वॉर में आदिल भाई ने टेक अच्छे किए गाइस, पिछली 2-3 वारों में आदिल भाई ने टेक अच्छे नहीं किए, बट इस वॉर में 69% किया है 2 स्टार। और गाइस ये लास्ट में मेरा टेक है 91%। तो गाइस पहले 69% आदिल भाई का टेक देख लेते हैं, ये टाइम फेल हुआ है या प्रॉफिट फेल था। तो गाइस इन्होंने ब्लिम कहाँ से गिराई है। ओके, 7 o'clock सॉरी 5 o'clock से इन्होंने ब्लिम को डिप्लॉय किया है, और ब्लिम पहले पड़ी है। आई थिंक ये क्लोन करके वो बॉम्ब कर दिया, टॉर्नेडो भी कर दिया। वाह, टोर्नेडो ने क्या काम किया, सीधा टाउन हॉल पे आ गया, लेके आ गया। ब्लिम ने तो काफ़ी अच्छी वैल्यू निकाल की गाइस, सुपर हजार ब्लिम पे ओपी, बट आदिल भाई का ये ही एक अटैक नहीं हुआ जो अच्छा हुआ। ओके गाइस, आई थिंक इनको 3 o'clock से आर्मी डिप्लॉय करके और एक ड्रैगन सेंटर में छोड़ के 5 o'clock पर आर्मी को एंटी क्लॉक वाइज घुमाना चाहिए था, तो ये इजीली 3 स्टार भी हो जाती, क्योंकि अब आर्मी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। हीरोसो और लूंस कुछ ड्रैगन ये एक तरफ हो गए हैं, तो
और ड्रैगन राइडर, ड्रैगन और लूम्स और वार्डन ये एक तरफ हो गए, तो ये आई थिंक इस वजह से यही अटैक्स आया फेल हुआ है। नहीं गाइस ये प्रॉपर फेल है, सिर्फ सिंगल और मोनोलिथ दोनों ही बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज आ रहा है। मोनोलिथ तो टूट गया बट सिंगल अलाइव, सिंगल की बिल्डिंग अभी टूटी नहीं है और सिंगल ने सारे पेट सब चीज़ों को ये अकेला ही इजीली टेक डाउन कर लेगा। सिंगल ने क्वीन को पकड़ लिया और सिंगल इजीली क्वीन को खींच जाएगा, अकेला सिंगल ही सब पे भारी। तो गाइस अब मेरा टेक देख लेते हैं जो कि 91% 2 स्टार हुआ है। और गाइस मेरा प्रॉपर फेल हुआ था इस सी डब्ल्यू के अंदर। गाइज मेरा बैड लक बहुत था, मतलब लक साथ ही नहीं दे रहा था, अटैक अच्छे हुए ही नहीं है इसके अंदर, वरना मैं इजीली स्टार बर्न कर लेता हूँ 20 या 18 या एक, मतलब इतने स्टार तो इजीली सी डब्ल्यू हर सी डब्ल्यू में करता हूँ, बट आई डोंट नो इस सी डब्ल्यू में क्या रीज़न है, बट मेरा लक मेरे साथ था ही नहीं। मैंने कहा लेजेंड के भी अच्छे अटैक्स किए, वो भी मैं शॉर्ट्स में डालूंगा गाइज। लेकिन गाइस पहली मैंने यहाँ से ज़्यादा काफ़ी अच्छी बर्न कर ली थी, फिर भी मेरा प्रॉपर टाइम मतलब प्रॉपर फेल हो गया। मेरा प्रॉपर फेल हुआ है गाइस, टाइम फेल नहीं प्रॉपर फेल हुआ। तो कहीं सब बारी आती है थंडर किंग भाई की, जिन्होंने 3 स्टार अटैक किया है। देखते हैं गाइस इन्होंने कहाँ से अटैक किया है, क्योंकि थंडर किंग भाई ओवर पावर अटैक करेंगे गाइस। ये इन्होंने काफ़ी वॉर के अंदर 3 स्टार किया, इन्होंने 9 o'clock से ब्लिंप और लावा को डिप्लॉय किया है, और इन्हों को 9 o'clock पे ही आर्चर को डिप्लॉय कर देना चाहिए था, बट इन्होंने 3 o'clock पे आर्चर को डिप्लॉय किया।
फिल्म से काफ़ी अच्छी वैल्यू इन्होंने अर्न कर ली है गाइस। ओके नाइस कॉइन, कचरा सीसी तो गाइस ये फोर मंथ खत्म हो गया था टाइटन, बट ये गलत डिप्लॉयमेंट थी, इसको टाइटन के और आगे बाहर से डिप्लॉय करने का। और ये 5 o'clock से 3 o'clock तक में आर्मी डिप्लॉय करेंगे और आर्मी खुल जाएगी सही, बहुत ही आला एंटी क्लॉक वाइज इजीली 3 star टेक डाउन किया गया। थंडर किंग भाई गाइस इज ओवर पावर अटैक करेगा, एक तरफ से गाइस किंग साफ करता जा रहा है और टाइटन उसके साथ दे रही है, और दूसरी तरफ से क्वीन सारी आर्मी क्वीन और हुड्डा ये इजीली सारी चीज़ों को टेक डाउन करता जा रहा है। अब गाइस एक दोनों ग्राउंड एक दो हैं तो ये मतलब आर्मी पे तो डैमेज देंगे ही, तो ये भी टेक डाउन कर ही ले तो हो गया मतलब ये 3 star। थंडर किंग भाई ने ओपी अटैक किया है इस CWL के अंदर भी, CWL की वॉर के अंदर भी। तो गाइज आज के 7 day हम लोग वॉर हार गए हैं, बट गाइज रिजल्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। और गाइज आज के अटैकर मतलब बेस्ट अटैकर थंडर किंग भाई थे। तो गाइज़ अगर आप लोगों को हमारे अटैक्स पसंद आए हो या फिर इन अटैक्स में कोई कमी या कोई चीज़ ऐसी लगी हो जो मतलब मैं चैनल को ग्रो करने में या इस वीडियो में इम्प्रूव करूं, तो गाइज़ ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइज़ न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।